कम यार, दो बार अपन लगभग क्या बोलते गलत रूट पकड़ लिए, दो बार। माँ कसम तुम्हारा इतना अंदर सेंटर आया है, वाह भाई वाह। धूम मचाले धूम। ओ तेरी भूत बन जाएगा आदमी तो। जय महाकाली। तो गाइस वंस अगेन निकल चुके दो चीते और अभी अपन जा रहे हैं स्कूल ढूंढने भाई, जहाँ अजय क्या बोलते हैं यार तुम्हारा नाम भूल जा रहा हूँ यार मैं, आकाश। हाँ, जहाँ स्कूल कल था आकाश का सेंटर आया है, जाते वो स्कूल को पहले देख लेते हैं। अभी परसों एग्जाम है ना। हाँ परसों एग्जाम है, उसके लिए पहले जाते देख लेते क्या माहौल है, जरूरी है सब। तो चलो रास्ता दिखाते हैं, और अपने को भी रास्ता मालूम नहीं है, अपन मैप पे चालू किए हैं, जो दिखेगा जो रास्ता लेके जाएगा अपन सीधा सीधा चलते जाएंगे। चलो स्कूल चलो, यही वाला रास्ता था ना। हाँ आप सीधे चलिए, सीधे। स्कूटी चलाने का एक फायदा भी रहता साला, गियर का मकजमारी नहीं, कोई भी चीज का मकजमारी नहीं है, तो और भागेगा बस। कितना अभी तक तुम भगाए हो इसको? 70 80 तक गया, इसके आते 80 तक गया ही नहीं। हाँ 80 तक गया शायद, हाँ 80 तक गया था। चलो खाली रोड मिलेगा फिर से भाग के देखेंगे। पहुंच गए अवस्थी, इस गांव का नाम है अवस्थी। कैसे मालूम? अरे यहाँ पर मेरे कई दोस्त आते हैं यहाँ से पढ़ने। तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? 25। मतलब 10वीं 25 है? हाँ 10वीं बस 25 है। हाँ नया स्कूल है कि पुराना स्कूल है? पुराना स्कूल है। तो कैसे कल तक? अरे तो लॉकडाउन में इनका स्कूल 25 कर गया सर। रुक जाओ, ये बहुत टाइट हो गया यार, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, आपसे पानी छूने लगा। अभी हाँ अभी कंफर्टेबल है। चलो हाँ। कितना किलोमीटर आए हम लोग देखे अभी तक? अभी देख रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से कितना किलोमीटर आए होंगे अभी तक? लगभग 8 किलोमीटर आ गए। 25 कितना किलोमीटर था? 25 या 16 किलोमीटर था ना? कितना किलोमीटर था? 16 किलोमीटर था ना। हाँ तो लगभग 6-7 किलोमीटर तो आई गए। हाँ वही तो। और ये लग रहा है शीतल मजा, ही लग रहा है। क्या है? शीतल मजा। हाँ पांडे मजा था वो हसी मजा, वो मैंगो वाला मजा। हाँ ये ना है यार, ये शीतल मजा है। और ये नारायणपुर आ गए, पुलिया के बाद नारायणपुर आ जाएगा। वाह ये दिखाओ यार, तो दिखाओ। वाह दिखा रहा हूँ। ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा ये बांध से जुड़ा हुआ है नदी। काफी चौड़ा नदी है यार। हाँ। अच्छा अगर पूरा पानी भर जाए तो पता कितना गहरा होगा ये? बहुत गहरा है, मालूम पड़े बहुत ज्यादा गहरा होगा। बांध से जुड़ा है ना। हेलमेट है तो थोड़ा बहुत सेफ है, नहीं तो सीधा तीखा ही धूप आ रहा है। नारायणपुर। हाँ नारायणपुर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इधर से चलना है, इधर कालते राइट जाएंगे कि सीधा जाएंगे? सीधे चलिए। सीधे दिखा रहा है ना उसमें? हाँ उसमें दिखा रहा है। हम मैं इस तरफ से गया था। हाँ तो चलो आते समय उधर से आ जाएंगे, और क्या रास्ता दोनों तरफ का देख के रखेंगे तो कुछ खराबी थोड़ी है। मतलब इसका रहिए इस तरफ का रास्ता बहुत खराब है। किधर का ये? अरे तो देख के नहीं लग रहा था कितना पतला रोड है यार, इधर भी तो रोड खराब है। रोड इधर भी तो खराब है। ओ तेरी भूत बन जाएगा आदमी तो। आदमी से भूत बन जाएगा यार, ये रोड है कि मजाक है? वो देखो बंदा या धूम मचाले धूम। इधर यहाँ का रोड रिपेयर हो रहा है लग रहा है। हाँ रोड रिपेयर अब कुछ बन रहा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा ब्रिज वगैरह, ओ हाँ ब्रिज वगैरह बन रहा है। हाँ ब्रिज वगैरह बन रहा है भाई। हेलमेट नहीं रहेगा तो आदमी भूत बन जाएगा इसमें। चढ़ा दे छोटे, उतरना मत, बोल तो मैं सपोर्ट दे दूंगा। चढ़ा दे, वाह भाई वाह वाह, मानना पड़ेगा यार छोटे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ओ देखो यार क्या लेके जा रहा है भाई ये बंदा। पूरा खटिया है, क्या बोलते हैं, चारपाई उठा के लेके जा रहा है।
साला फोर व्हीलर का जगह लेके चल रहा है बंदा। इसके पीछे पीछे चलो एकदम आदमी सेफ चलेगा। ये देखो इधर भी एक स्कूल है। कौन सा स्कूल है? GBS पब्लिक स्कूल, GBS पब्लिक एकेडमी। किधर अभी लेना है, राइट या लेफ्ट? यहाँ से रोड खराब है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत नहीं, खराब है, आगे भी लग रहा है। थोड़ा गांव टाइप का है ना, उसके लिए उतना रोड सही नहीं है। ऐसे जगह पे गाड़ी चलाना मतलब मालूम है हिमालयन हो या फिर एक्सपल्स हो ना, तब मजा आता है ऐसा खड़ा होकर चलाने का। अरे वाह यार, रोड है तो यहाँ से एकदम चिक्कन एकदम साफ। मुर्गी फार्म उधर भी है। हाँ ये प्राइमरी स्कूल देखना ना, ये टावर, वहाँ तक मैं आया हूँ। इस रास्ते नहीं मतलब उसी रास्ते। किधर अभी जाना है? इधर ही चलिए, मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ। अंदाजे आपने मत बोला। अंदाजे नहीं, कल ब्लॉग बंद करके थोड़ी देर देख लो। मेरे हिसाब से ना ये रोड जाएगा इधर से ही, ये रोड पकड़ के अपने को गेट कालते अंदर घुसने का है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार जाएंगे, वाह क्या बात है, एंट्री तो मारेंगे उस सुंदर से गेट को। ये बंदा कितने मौज में जा रहा है यार, वाह या है भाई मौज है। एक किधर जाना है अभी? देखो दो रास्ता है, सुंदर से गेट को भी पार करना है भाई। इधर ये सही लेके जाएगा ना? हाँ सही लेके जाएगा यार। वाह नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा छोटा स्पीड ब्रेकर। कितना बता रहा है? 1.2 किलोमीटर होता है, लगभग 1200 मीटर। माँ कसम इतना ही अंदर कोई पेपर दे जाएगा यार, गजब यार। इतने इस अंदर स्कूल के अंदर क्या बोलते हैं CCTV कैमरा लगे रहेगा, मुझे तो नहीं लगता है। अभी किधर जाना है? सीधा ही चलिए, कोई रोड तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ रोड नहीं, यहाँ सही बात है, तो है चक रोड है, ये रोड है। चलो ये रोड कितना प्लेन दिख रहा है, पर कैसा वो कर रहा है, बार बार कालते बबल कर रहा है एकदम। चलो चलो भाई, यहाँ पे एक अच्छा खासा बैठने के लिए वो बना के रखा है चौथरा। पर ये रास्ता बड़ा सुंदर लग रहा है, मजा आ गया एकदम, दिल खुश हो गया देख के। वाह यार ये रोड इतना प्लेन, मतलब कितना प्लेन दिख रहा है रोड, पर कितना कूद रहा है चला गाड़ी इसके ऊपर। तो लेफ्ट लूँ कि सीधा लूँ? सीधे ना। हाँ ये वाला रास्ता हम लोग वहीं पर वही रोड पर पहुँचाएगा। एक और रास्ता है सीधे से पिर्रा आए। माँ कसम तुम्हारा इतना अंदर सेंटर आया है, वाह भाई वाह। इधर तो स्कॉट का बोलते हैं अगर मारने आएगी छापा तो भी नहीं मार पाएगी। बोलेगी भाई माफ करो, इतना अंदर अपने को जाना ही नहीं है। जय महाकाली स्थान, जय महाकाली। मुझे ना इनसे बड़ा डर लगता है, काली से बड़ा डरावनी दिखती भी है। अच्छा जीप भी काली रहेगी, दो चार धड़ रहेगा उनके हाथ में, बड़ा डर लगता है मेरे को। माँ कसम इतना अंदर है। ओ भाई आहा हा, बड़ा पेन हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइट हेलमेट है। अच्छा हाँ पहली बात लेडीसों वाला है ना, तो लेडीसों के कालते सर के लिए बना है, हमारे लिए बना नहीं है। और भाई इतना अंदर आ गए ना, माँ कसम इतना हम लोग अंदर आ गए। दीदी चलाने वाली थी स्कूटी, तो दीदी के लिए हेलमेट भी डाल रहा है। अच्छा दीदी चलाने वाली थी, चलाने वाली थी ना, उसे चला नहीं रही है। भाई इतना अंदर हम लोग आ गए ना, माँ कसम हद से ज्यादा अंदर है। अगर इधर स्क्वाड अगर जो आते हैं स्कूल में, मतलब जो चीट उट करवाते हैं अगर पकड़ने के लिए, छापा करने के लिए, छापामारी करने के लिए, आते आते परेशान हो जाएंगे यार। भाई ये जगह है इतना अंदर है हम लोग ना, इतना अंदर है लगता नहीं कि यहाँ पे कोई स्कूल हो सकता है। पर भाई देख रहे हो कितनी खूबसूरती झलक रही है, इधर खेत और थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े जगह पे घर बसा हुआ है, मजा आ गया एकदम देख के। और ये देखो तिरंगा, ओ भाई तिरंगा यार उसके ऊपर। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लगभग 1 किलोमीटर और है। हेलो हेलो नेहुर जी, हेलो। मैं सुना हूँ ना ये लोग सांप से डरते नहीं है। हाँ सांप को मार देते हैं। हाँ ये लोग सांप को मार देते हैं, लोग सांप से भिड़ जाते हैं, सांप को मार के खा लेते हैं। अरे यार ये
एक तो पहली बात इतना अच्छा रोड बना है ना, रोड के ऊपर देखो क्या बोलते हैं, खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हक देते आदमी गांव में ना, गांव का। अरे तो जब तुमको लगा है बाथरूम जब करने का तो जाओ खेत में जाओ ना भाई, रोडवा पे क्यों हक दे रहे हो। अपन आ गए भाई, गलत गलत। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये खाए हो कि नहीं खाए हो सब? क्या ये नहीं खाए? नहीं खाए हो भाई? जामुन है? जामुन नहीं है, बैर है, बैर छोटा 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 बैर है। लगभग 1.3 किलोमीटर हम लोग उल्टा रास्ता पकड़ लिए। अब वो देखो स्कूल के बच्चे तो आ रहे हैं, पकड़ के पूछ ले क्या? रुको भाई, पकड़ के पूछता है इसको। भाई बाबू रुको जरा, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? आदर्श शिक्षा निकेतन। अच्छा इधर कौन सा है? रुको स्कूल का नाम मैं बताता हूँ, जरा बताना किधर है वो। हाँ आइडियल भी इसका नाम है। हाँ? उसका उसे आइडियल भी कहते हैं। आइडियल भी कहते हैं? हाँ। तो चलो अब सही चल रहे हैं अपन। हाँ। जी। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। इसी स्कूल को आइडियल भी कहते हैं। स्कूल को आइडियल भी कहते हैं? हाँ। हाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटर कॉलेज। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंटर कॉलेज। हाँ। सियाराम ने तो आइडियल बोल, आइडियल बच्चे जान रहे हैं तो सियाराम भी जानते होंगे। सियाराम शुक्ला है ना? हाँ सियाराम शुक्ला। सियाराम शुक्ला ना, चलो आओ बैठो, पहले पूछ लेते किधर है स्कूल। तुम्हारा कसम यार, दो बार गलत रूट पकड़ लिए, दो बार। ओ, केक नहीं कटना चाहिए, केक नहीं कटना चाहिए। इधर भी जाना, पूछता हूँ भाई सियाराम शुक्ला की, सियाराम शुक्ला स्कूल किधर है? अच्छा मतलब ये रोड से निकलते वो निकलना, बाहर निकलना पहले नहीं होगा तो रोड पे है ना, कोई भी अगर गाड़ी उड़ी लेके जाएगा अगर गलती चढ़ा देगा तो गिर जाएगा। चाचा जी सियाराम शुक्ला स्कूल किधर है? राइट आगे से चौराहे से दाएं, दाएं ना। ओके थैंक यू। वो देखो यार सामने सियाराम शुक्ला स्कूल है, हम लोग सोचो कितना अंदर, लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर घूम के आए, बताओ यार तू चेक। वो देखो सामने स्कूल दिख रहा है। क्या बोले यार अभी यही है सर। हाँ यही है रास्ता, यही है, यही है भाई। The destination is on your left. Sierram Supla up to Mat Hayamik for Dialay Sariukurt Rudrapa. ये रहा। Arrived. भाई यार फाइनली पहुंच गए सियाराम शुक्ला सेकेंडरी स्कूल सरावा। भाई यार इतना अंदर भाई किसी का सेंटर आता है इसमें? तुमको लगता है कि क्या बोलते कैमरा लगा होगा क्या स्कूल में? मुझे तो नहीं लगता है। ये रहा साफ साफ इधर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हम लोग ध्यान नहीं दिए और हम लोग ये वाला रोड पकड़ के लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग अंदर गए थे। इतना बड़ा बड़ा साफ साफ अक्षरों में लिखा, हम लोग ध्यान नहीं दिए। हाँ यार CCTV दिया तो है उधर, देखो आप कैमरा सावधान, आप कैमरे की नज़र में है। कैमरा लगा हुआ इतने अंदर स्कूल में मुझे भरोसा नहीं होता। जाना हाँ, जब पहले दिन जब जाओगे तब आके बताना कि स्कूल में कैमरा में लगा कि नहीं लगा। माँ कसम इतना अंदर स्कूल। चले अभी? चलिए। माँ कसम यार, पान या गुटखा खाकर इधर उधर ना थूके। वो देखो शिव भगवान सोए हैं, उसके नीचे लिखा हुआ पान या गुटखा खाकर इधर उधर ना थूके।
कोई कोई इतने मतलब महापुरुष होते ना, जिधर लिखा हुआ है ना उधर ही थूकेंगे। चलते हैं यार, जो देखना था अपन देख लिए भाई, इतना अंदर सेंटर आया, मानना पड़ेगा एक साली तो बनता है। चलो देख लो, इधर ही आना है तुमको पेपर देने। हम लोग सही जा रहे हैं ना? हाँ सही जा रहे हैं। ये यहाँ से घर का मैप लगाना पड़ेगा। नहीं चलिए, चले ना। हाँ चलिए, चलो छोड़ो जान दो, रास्ता देख लिए ना भाई। थोड़ा प्यास लगा था तो रास्ते में अपने को नल दिखा, तो थोड़ा पानी पी के देखते कैसा है स्वाद, कैसा है। पियो, देखो पानी तो अच्छा ही होना चाहिए। कैसा है? सही है। पियोगे? पीना है कि नहीं पीना? हम तो नहीं पीना। हाँ तो पकड़ो, मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलाओ, मैं तभी ना पानी पीऊंगा मैं। चलो, मुझे लगा था कि पानी बहुत बुरा होगा, बट पानी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा था, प्यारा था। चले चलिए। हाँ 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 हाँ, किधर का चाहिए? चाबी किधर रख दिया यार मैं? हाँ चाबी ये रहा। सही है, कैसा भी हो जब आदमी को प्यास लगता तो ये नहीं देखता कैसा पानी है। पानी पियो, मौज करो। अगर आपको बैठना है, आराम करना है, तो वहाँ पे बैठ सकते हो, और छाँव का भी कोई टेंशन नहीं है। देखो उसके ऊपर बांस वस है, उसके छाँव में बैठ जाओ। चलें अभी, चलो अब रखता हूँ। जब कुछ रहेगा तब ब्लॉग बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। अब सीधा घर पे। सो गाइस, फाइनली अपन घर पे पहुँच गए। और चलिए, कैसे निकलेगा भाई? ओए इसको निकाल, कैसे निकलेगा? हाँ निकल गया।